नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564505096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न हमारा है कि देखिए, इनमें से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है हमारा ओपेक, इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है। ठीक, तो पहले ओपेक जो है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसमें अभी 13 कंट्रीज इसमें सदस्य राष्ट्र हैं। फाउंडेशन इसका हुआ था 1960 में। ठीक, और इसका जो हेड क्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अगर इनमें हम देखें सदस्य राष्ट्र कौन सा नहीं है तो ये ब्राज़ील इसमें से ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन। अगला देखें कि कौन यूएनओ का प्रमुख अंग नहीं है, विच इज़ नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम इसमें देखें जो हमारे मेन बॉडीज हैं तो इसमें जनरल असेंबली हो जाती है यानी कि महासभा, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल हो जाती है, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल हमारी है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। ठीक, तो यहाँ पे WHO हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कंट्री कॉपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें से सदस्य राष्ट्र तो चाइना इसमें मेंबर नहीं है हमारा। सदस्य राष्ट्रों की बात करें हम तो बांग्लादेश, भूटान, ठीक, इंडिया, म्यांमार हो जाएगा आपका, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगला देखिए कि गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय में किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस है इसका जो हेड क्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एक 50 किलोवाट का सोलर पार्क यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था वर्ष 2019 में। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सार्क इसमें यहाँ पे म्यांमार इसमें सदस्य नहीं है, तो सी ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगला देखें कि कौन सा देश जो हमारा है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है। ठीक, तो एक हमारा जो ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, इसमें अगर हम देखेंगे तो ईरान इसका मेंबर नहीं है। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बताए जाएंगे आपको तो आप इनके बारे में डिटेल में भी एक बार पढ़िएगा क्योंकि आपके सिलेबस का भी पार्ट है ये, तो इन सबसे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। अगला देखें कौन सा देश समूह 15 विकासशील देशों का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ 15 करके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बोलीविया इसमें राष्ट्र जो है मेंबर नहीं है। ठीक, इसका फॉर्मेशन 1989 में हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और पर्पज़ इसका है कि एक जो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में है एक कॉपरेशन के लिए काम करता है ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो हेड क्वार्टर्स हैं जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। अगला देखिए कि सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं। ठीक, तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो हमारा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, हेड क्वार्टर इसके कहाँ पे हैं तो ये है काठमांडू में, ठीक, नेपाल के अंदर। और इसमें जो हमारे मेंबर राष्ट्र हैं इनकी संख्या है 8 है। इनके नाम जैसे देख लेते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिर भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। अगला देखें कि द साउथ वही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो हमारा सार्क है इसकी स्थापना कब हुई, तो भी बताया आपको 1985, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली एक ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। ठीक, और ये स्थापना इसकी हुई थी 1994 में, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो प्रसार होता है हमारा वो कितना होता है। तो बेसिकली जो हमारी एक तरीके से विजिबल स्पेक्ट्रम है या विजिबल लाइट की, जो तो अगर हम विबग्योर के रेंज में देखें है ना, वॉयलेट से लेकर रेड तक में, तो ये 400 nm से लेके हमारा अराउंड 750 या 780 nm तक कर लीजिए। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए कि निम्न में से किसका वेग जो है वो अधिकतम होता है। ठीक है, तो दिए हुए सभी ऑप्शंस में से जो कह लीजिए सबसे अधिकतम वेग होगा वो प्रकाश का होता है, यानी कि लाइट का। ठीक, और अगर हम देखें स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये होता है 3 × 10⁸ m/s। ठीक, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा फिलहाल जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि प्रकाश का वेग अधिकतम जो है वो कहाँ होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो ये वैक्यूम में होती है, यानी कि निर्वात में। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो ये अराउंड 29972 km/s होती है। ठीक, ये हमारा वैक्यूम के अंदर। अगला देखिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक मीडियम ये वाला है ए और ये दूसरा है बी। ठीक, अब कोई लाइट रे आएगी तो अगर इस ए मीडियम से बी में जा रही है, ठीक, तो यहाँ पर इंटेंसिटी, वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है ये सब चेंज हो जाएंगे, बट हमारा जो इस रे की फ्रीक्वेंसी होगी ये सेम होगी। तो डी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम। ठीक, यहाँ गलत क्लिक हो गया है, बट आप ऑप्शन जो डी है इसको देखिए, ये ठीक है हमारा ये वाला। अगला देखें कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वो क्या है। ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिकल फाइबर जैसे केबल्स के बारे में देखा होगा, तो यहाँ पे ये सारी ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली वर्क करती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। और इस TIR के अंदर जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर जैसे एक एग्जाम्पल है, तो इसका सबसे जैसे कि एक ऐसे समझिए कि सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज़ की है। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करके हम कोई डेटा भेज रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, तो उसमें कोई ट्रांसमिशन लॉस बहुत नहीं होता है। अगर आपने मान लीजिए कोई 100 यूनिट भेजी है तो एंड पॉइंट पे ऑलमोस्ट 99.9% जो डेटा है वो पहुंचेगा। अगला प्रश्न है कि मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है। ठीक है, तो मिराज का एक फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपने कभी इसे इमेजिन किया हो, देखा हो। मान लीजिए आप एक डिस्टेंस पे खड़े हैं, किसी पॉइंट पे खड़े हैं, और आपसे कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, गर्मियों के दिनों में खासकर आपको दिखेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसे कुछ उसका रिवर्स में क्वार्टर दिखेगा आपको वहाँ पे, है ना, बनता हुआ उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो ये सब जो रीज़न है और ये जो फॉर्मेशन है यही होता है मिराज, यानी कि मृग मरीच का एक तरीके का कोई चीज़ है नहीं बट वैसे आपको दूर से दिखती है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा TIR का, ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो 3D इमेजेस ली जाती हैं, पिक्चर्स 3D है ना, तो इसमें प्रयोग होता है हमारा होलोग्राफी का। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। ठीक, तो हमारे आँख का जो रेटिना वाला भाग है, तो इस पर जो हमारा इमेज यहाँ से आके बन रही है ये रियल होती है, मतलब वास्तविक, और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उससे एक तरीके से छोटा होता है और इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है उसको चूज़ करेंगे हम। अगला देखें कि किसी भी प्रकाश का रंग जो होता है वो किस वजह से निर्धारित होता है। ठीक है, तो कोई भी लाइट होगी हमारी, जैसे कि अब आप विजिबल स्पेक्ट्रम में ही देखते हैं विबग्योर के कलर्स को। ठीक, तो अलग अलग वेवलेंथ जिनकी होती है उनका रंग अलग होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी होगी उस रंग का वो नेचर होगा या उस तरह का रंग होगा उसका। अगला देखें कि दृष्टि वर्णक्रम में सबसे काम लिखा है, कम होगा यहाँ पे बेसिकली, कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाता है वॉयलेट कलर का। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो रेड कलर का हो जाएगा। अगला देखें कि आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है। ठीक है, तो अगर स्काई का जो आप ब्लू कलर देखते हैं तो बेसिकली वो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश उसमें आ रहा है सूर्य का प्रकाश जैसे, तो बिखराव हो रहा है उसकी स्थिति। ठीक है, तो इस वजह से आपको वो नीले कलर का दिखाई देता है।
अगला देखें कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, तो कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में है तो वो अगर आसमान के रंग को देखेगा तो काला दिखेगा। ठीक, तो काला चूंकि जो हमारा ऐसे समझिए कि जो हमारा स्काई है तो उसका ओरिजिनल कलर ही जो है वो ब्लैक है। चूंकि अब यहाँ आप जब नीचे से देखते हैं तो एटमॉस्फेयर की उपस्थिति के कारण हमारा लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, तो इस वजह से आपको वो ब्लू कलर दिखता है। और स्पेस में एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से कोई ऐसा घटना होती नहीं है, तो इस वजह से जो उसका ओरिजिनल कलर है ब्लैक वो दिखता है उन्हें। तो सी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे यहाँ से। अगला देखें, ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है। ठीक है, तो जो हमारा यूनिवर्स है तो उसकी एक्सपेंडिंग थियरी या कॉन्सेप्ट जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ठीक है, तो देखिए सबसे उचित तो ये होगा कि ऊपर का जो हो भाग वो वाइट हो, नीचे ब्लैक हो। ठीक, चूँकि ब्लैक जो है वो सन रेज को अब्जॉर्व करता है काफ़ी अच्छा, तो ये कलर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, परंतु आमतौर पे आपको जो ऑप्शन ए वाला छाता है वो देखने को ज़्यादा मिलता है। अगला है कि अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। ठीक, तो रेनबो में हमारे कलर्स होते हैं 7। ठीक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो यहाँ सबसे बीच में देखिए ग्रीन आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कार में जो हम ये पीछे बैक मिरर का यूज़ करते हैं पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगला है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म होगी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से वो वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो दो मान लीजिए हमारे यहाँ इंग्लिश में थोड़ा एरर है स्टेटमेंट में, तो हिंदी के हिसाब से देख लीजिएगा आप। तो जैसे दो हमारे ये प्लेन समतल दर्पण के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो जो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा या जो उसके प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो अनंत होगी। ठीक, इनफाइनाइट, तो यहाँ से डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगला देखिए कि जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए वाटर में कोई एक एयर बबल जैसे फॉर्म हो जाता है तो वो एक्ट करता है एज अ कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस की तरीके। ठीक है, और अवतल लेंस जो होते हैं हमारे एक डाइवर्जिंग लेंस के रूप में जाने जाते हैं कि जब इस पर मान लीजिए कोई लाइट रे जैसे पड़ती है। ठीक है, तो वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई प्लेन मिरर है अगर, तो अगर किसी व्यक्ति का पूरा इमेज उसमें देखना है उसको, ठीक, तो कम से कम उस व्यक्ति की मान लीजिए 5 फीट हाइट है तो कम से कम 2.5 फीट का वो शीशा यानी कि उसकी लंबाई का ऊंचाई का आधा होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किस प्रकार से। ठीक है, तो मायोपिक अगर कोई आई है तो उसमें जो दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कॉनकेव लेंस। अगला है कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर्स पे होती है। ठीक है, तो मिनिमम जो हमारी डिस्टेंस है स्पष्ट दृष्टि की 25 सेंटीमीटर होती है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो क्या होती है। ठीक, तो बेसिकली हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम में हम चीज़ों को नापते हैं वो डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सन ग्लासेस होते हैं इसमें 0 डायोप्टर होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इनमें से वो क्या कारण है। ठीक, तो डायमंड अगर कोई है वो मान लीजिए कटा हुआ है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR की वजह से वो उसमें रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तापमान का SI मात्रक क्या होता है। टेम्परेचर का SI यूनिट अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा ये सेल्सियस, जूल या ये सब नहीं होता, केल्विन होता है,
इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ठीक है, तो हीट की अगर हम यूनिट देखते हैं तो ये कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल तीनों हो जाएंगे। वॉट जो हमारा यहाँ पे है ये इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है। अगला देखिए कि बर्फ का ताप बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक आइस है, ठीक है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे घटेगा। और ये इस वजह से भी होता है, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक तरीके से उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अगर हम देखें तो इनमें से हो जाएगा मरकरी, ऑप्शन बी। सौर कुकर को गर्म करने में सूर्य के प्रकाश के कौन से विकिरणों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंफ्रारेड यूज रेज जो है ये यूज होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए आइस का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक, तो सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये मेल्टिंग यहाँ से ऑपरेशन हो जाएगा। अगला है कि जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। 100 डिग्री पे अगर मान लीजिए कोई चीज़ उबल रही है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से किसकी ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? ठीक है, तो मोस्ट हीट कैपेसिटी हम देखेंगे तो ये वाटर की हो जाएगी यहाँ से। अगला देखें कि मिट्टी के घड़ों में रखा पानी गर्मियों में ठंडा हो जाता है क्यों? ठीक, तो जैसे कोई अर्थन पॉट है, मान लीजिए ऐसे है कोई, है ना, तो इसमें गर्मियों के मौसम में आप आमतौर पर सुराही या घड़ों में पानी रखते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे इसके मिट्टी का बना होता है तो आउटर सरफेस पे टाइनी छोटे 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 एक छिद्र कह लीजिए या पोर्स होते हैं, तो जिसके थ्रू जो हमारा वाटर है ना वो इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, तो जो लेटेंट हीट है जो रिक्वायर्ड है वो वेपराइज होती रहती है, और जो पानी हमारा होता है इस पॉट के अंदर वो इसलिए ठंडा बना रहता है। अगला देखें कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? ठीक, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे ह्यूमन बॉडी का होता है ये होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट में होता है, और अगर इसको आप सेंटीग्रेड स्केल में देखेंगे तो 37 डिग्री होता है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ठीक, तो वाटर की अगर हम डेंसिटी देखें तो ये मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अगला है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट, बेसिकली जो हमारे फ्रिजेस होते हैं घर में, तो इसका मेन काम है कि जो हमारा एक समान तापमान है उसको बनाए रखना, है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता में क्या होगा परिवर्तन? ठीक, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी हमारी, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे मान लिया टेम्परेचर 10 डिग्री है और वो अचानक से 15 डिग्री हो जा रहा है, तो हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यहाँ पे वो घटेगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो किसी मान लीजिए द्रव के अंदर अगर हम कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो उस वजह से क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी होती है वेपराइज होने के लिए, है ना, बॉइलिंग के प्रोसेस के दौरान, है ना, तो वो डिक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन हम जो है ए चूज करेंगे यहाँ से, और इसी प्रश्न के साथ ही वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।